पता है बिग मार्केट वॉइसेस में बात करते हैं, एडलवाइस म्यूचुअल फंड ने एक रिपोर्ट निकाली है जिसके मुताबिक ये दशक भारत के लिए बेहद शानदार रहने वाला है। भारत दुनिया की सबसे तेज़ दौड़ने वाली इकोनॉमी में शामिल होगा, कई सेक्टर्स में तेज़ ग्रोथ देखने को मिलेगी। इस रिपोर्ट और मार्केट आउटलुक पर खास चर्चा के लिए हमारे साथ एडलवाइस एसेट मैनेजमेंट के CIO इक्विटीज़ त्रिदीप भट्टाचार्य जुड़ गए हैं। त्रिदीप जी गुड मॉर्निंग, और ये आपने एक NFO भी निकाला है इसके लिए 18 अक्टूबर तक का जो खुला रहेगा, तो पहले तो बताइए ये थीम क्या है और क्यों आप इतना बुलिश हैं? मेरा मानना यह है, इसको दो तरीके से मैं देखना चाहूंगा। पहली बात तो ये कि पिछले 10 साल हमारे इंडिया में, 8 से 10 साल में हमने काफी सारे रिफॉर्म्स देखे हैं, ओवरऑल यू नो स्टार्टिंग विद GST, डीमोनेटाइजेशन एक्सेट्रा। अगला 5 से 10 साल मेरे हिसाब से इंडिया इकोनॉमी पॉइंट ऑफ व्यू के लिए ग्रोथ का समय होगा, क्योंकि काफी हद तक ये रिफॉर्म्स प्ले आउट हो चुके हैं, तो हमने कुछ हद तक टफ जो मेजर्स हैं वो लिए हैं, अब उनका बेनिफिट आना शुरू होना चाहिए अगले 5 से 10 साल में। सो इसका जो बेनिफिट होगा वो कुछ 4 या 5 जैसे सेक्टर्स बोल लीजिए या थीम्स बोल लीजिए उसको डिस्प्रोपोर्शनेटली बेनिफिट करेगा, ये हम कहने की कोशिश कर रहे हैं। और इसलिए ऑफ कोर्स नियर टर्म अगले 6 से 12 महीने में इलेक्शन का वोलेटिलिटी रहेगा, पर थोड़ा सा लॉन्ग टर्म सोचे 5 से 10 साल में तो इनका बेनिफिट में काफी फायदा हो सकता है इन्वेस्टर्स को अगर इसमें पार्टिसिपेट करें तो। तो ये हमारी थिंकिंग है। ओके तो इस समय फिर आप किन थीम्स को बैक कर रहे हैं त्रिदीप? करेक्ट। सो बेसिकली मेरा ऐसा मानना है कि अगर आप मार्केट को करंट लेवल्स पे देखें, सो जब हम मिड और स्मॉल कैप में एक 40-50% रैली देख चुके हैं पिछले 3 से 4 महीने में, उसमें हम लोगों को ये लगता है कि इसके बाद लोगों को थोड़ा सा इंक्रीमेंटल पैसा एक बैलेंस्ड पोर्टफोलियो में, बैलेंस्ड एज इन मल्टी कैप या फ्लेक्सी कैप, इस तरीके के पोर्टफोलियो में पैसे लगाने चाहिए। और वहां पे भी द एरियाज जहां पे हम लोगों को लगता है कि बेट करना चाहिए वो है सबसे पहले जो हमको लगता है कैपेक्स साइकिल, मुझे लगता है ये अगले 5 से 10 साल काफी स्ट्रांग रहेगा इंडिया के लिए, 5 साल फॉर श्योर, क्योंकि अभी हमारा कैपेसिटी यूटिलाइजेशन जो है इंडिया इंक की वो 76% है। इसके बाद गिवन दैट कॉर्पोरेट्स डीलेवरेज हो चुके हैं एक बेनिफिट आने का अंदाजा है। दूसरा हम लोग को लगता है कि ओवरऑल जो डिफेंस है उसमें कुछ कंपनीज की 20 साल की ऑर्डर बुक इंटैक्ट है, ऐसा विजिबिलिटी मिलना कठिन होता है, इसमें एग्जीक्यूशन की तरफ अगर थोड़ा रुक करें तो कुछ स्टॉक्स देखने के लिए बड़े अच्छे हो सकते हैं। तीसरा जैसे हम लोगों को लगता है कि EMS इलेक्ट्रॉनिक मैन्युफैक्चरिंग सिस्टम्स, ये एक ऐसा एरिया है जहाँ पे सेक्टोरल ग्रोथ इटसेल्फ 20-30% है, क्योंकि इंडिया की पेनिट्रेशन इसमें बढ़ रही है। सो यहाँ पे अगले 5 से 10 साल के लिए काफी अच्छा स्कोप है ओवरऑल। एंड फाइनली आई वुड से रियल एस्टेट मेरे ख्याल में 5 से 7 साल की एक अपसाइकिल है जिसमें डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट प्लेस रियल एस्टेट के ऊपर इससे से जुड़े हुए स्टॉक्स हैं वो काफी बेहतर कर सकते हैं। ये जो मैंने आपको ना कुछ बोले ये थोड़ा लॉन्ग टर्म थिंकिंग है, इसका मतलब ये नहीं कि अगले 3 से 6 महीने में ये सारे एकदम वो ऊपर भाग जाएंगे, बट थोड़ा लॉन्ग टर्म पॉइंट ऑफ व्यू से ये सारे एरियाज में मेरे ख्याल में इंडिया में अच्छी खासी तेजी रहने वाली है। त्रिदीप जी अपने इन सेक्टर्स के आकलन में आप बैंकों में PSU बैंक्स को कहाँ पे रखकर चल रहे हैं इस वक्त? क्योंकि जो एक दशक रहा 2008 से लेकर 18-19-20 तक का वो बहुत ही ख़राब रहा PSU बैंक्स का, पिछले 4 साल में बहुत डैमेज कंट्रोल हो चुका है, प्राइस परफॉर्मेंस अच्छी भी है, कुछ स्टॉक्स की अभी भी अपने ऑल टाइम हाई से एक बड़ा डिफरेंशियल क्रिएट करके चल रहे हैं, क्या PSU बैंक्स को आप यहाँ से आगे चलते हुए वरीयता देंगे ओवर प्राइवेट बैंक्स? तो बहुत अच्छा सवाल है, इसमें एक सेकंड में अगर मैं आपको अपनी थिंकिंग प्रेजेंट करूं तो वो ऐसा है कि देखिए पिछले 25 साल का जो मेरा एक्सपीरियंस है मार्केट्स में उसमें 2-3 बार ही ऐसा सिचुएशन आया जिसको हम कहते हैं गोल्डी लॉक सिचुएशन, जहां पे जो बैंकिंग सेक्टर में 2 इंपॉर्टेंट वेरिएबल होते हैं, एक होता है क्रेडिट ग्रोथ या लोन ग्रोथ और दूसरा होता है एसेट क्वालिटी, एक भविष्य के लोन की ग्रोथ और दूसरा जो लोन आपने पिछले दिए हैं वो कैसे चल रहे हैं। ये दोनों सिचुएशन जो बेहतर जो दोनों में जो पॉजिटिव टिक मार्क है ये बहुत कम समय में देखने को मिला है, और अभी और अगले शायद अगले 1-1.5 साल में ये सिचुएशन ऐसा रहे, इसके बाद ये साइक्लिकल सेक्टर है ये वापस अपने NPA साइकिल में चला जाएगा, बट अगले 1 साल के लिए
यहाँ पे चाहे वो पब्लिक सेक्टर बैंक्स हो या प्राइवेट सेक्टर बैंक्स हो, सबके बुक्स आज के डेट में क्लीन है और सब में ग्रोथ के जो है अपटिक देखने को मिल रहा है। सो अभी तो राइजिंग टाइड है ये सेक्टर में। मेरे ख्याल से अगले 1 साल में प्राइवेट सेक्टर बैंक्स हो, पब्लिक सेक्टर बैंक्स हो, एनबीएफसीज हो, ये सारे बेहतर करेंगे जितने मतलब सब्जेक्ट टू देयर लायबिलिटी फ्रेंचाइजेस। बट मेरे ख्याल में उसके आगे जो है फ्रॉम अ मीडियम टर्म स्टैंड पॉइंट आई वुड बी लिटिल मोर केयरफुल अबाउट पब्लिक सेक्टर बैंक्स। सो टू आंसर योर क्वेश्चन, मेरे ख्याल में अगले 6 से 12 महीने के लिए पीएसयू बैंक्स अच्छे लगते हैं, पर उसके बाद एक लॉन्ग टर्म पॉइंट ऑफ व्यू से आई थिंक वी विल स्विच बैक टू स्ट्रॉन्ग लायबिलिटी फ्रेंचाइजेस जैसे प्राइवेट सेक्टर बैंक्स एक्सेट्रा। अच्छा, एक और चीज़ यहाँ पे थी दीप जी, डिफेंस को अब आप देखिए, आज भी जब मैं आपसे बात कर रहा हूँ तो जो हमारा लोकल एक्विजिशन है, मतलब घरेलू कंपनियों से डिफेंस के उपकरण खरीदना, वो क्रम जारी है और बड़ी संख्या में, अगर आप देखें रोज़ बरोज़ ये इन कंपनियों को ऑर्डर मिल रहे हैं, उसमें निजी कंपनियों की भागीदारी भी है, काफ़ी अच्छी खासी हो रही है। डिफेंस पे आपका फोकस ज़्यादा रहेगा? सो डिफेंस एक बहुत अच्छा सवाल। डिफेंस का जो अपॉर्चुनिटी है ये मेरे ख्याल से, पहली बात तो जब इंडिया ने डिसाइड किया कि ओवरऑल हम वर्ल्ड के टॉप 3 इकोनॉमीज में आने वाले हैं और चूज किया कि हम इस कॉन्टेक्स्ट में हम बिगेस्ट इंपोर्टर ऑफ डिफेंस नहीं हो सकते हैं, इसलिए इंडिजिनाइज करना पड़ेगा, ये एक चेंज इन थिंकिंग आई गवर्नमेंट की, और उसके बाद से ये सब ऑर्डर ऑर्डर प्लेसमेंट शुरू होना शुरू हुआ। नाउ इसमें अभी कौन कैसे बेटर पोजीशन है ये समझने की जरूरी है। तो ऑर्डर बुक तो है 20 साल का, लेकिन कौन एग्जीक्यूट कर सकेंगे? पिछले 20 साल में अगर आप देखें तो पीएसयूज आर द वंस जिन्होंने इस समय पे काफी समय बिताया इस जगह पे। हालांकि प्राइवेट सेक्टर कंपनीज जो है वो थोड़े से लेट आए और इसलिए वो अपना एक्सपर्टीज बिल्ड कर रहे हैं। तो आज के डेट में फ्रॉम ए नियर टर्म परस्पेक्टिव, 1 से 2 साल के पॉइंट ऑफ व्यू से, मेरे हिसाब से एग्जीक्यूशन कैपेबिलिटी डिफेंस पीएसयूज में शायद ज्यादा है। ये चेंज होगा ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम टुवर्ड्स प्राइवेट सेक्टर, जैसे हमने बाकी सेक्टर्स में भी देखा है। तो अगर आज बोलिएगा कि डिफेंस पॉइंट ऑफ व्यू से, तो मैं कहूंगा कि हमारा रुझान जो है थोड़ा डिफेंस पीएसयू की तरफ ज्यादा है, क्योंकि जो प्राइवेट सेक्टर प्लेयर्स हैं दे आर स्टिल स्मॉल, अपनी एक्सपर्टीज बना रहे हैं और ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम ये सामने आएगा। पर अगर आज से 1-2 साल की बात करेंगे तो उस समय प्राइवेट सेक्टर भी इसमें मीनिंगफुल पार्टिसिपेंट होगा। तो हमारे पोर्टफोलियोज में डिफेंस पीएसयूज भी है और कुछ प्राइवेट सेक्टर प्लेयर्स जिन्होंने पिछले 1 दशक में अच्छा एग्जीक्यूट किया है, वो उन पे हमने एक्सपोजर लिया है। सो आवर फ्रेमवर्क इज कि यहाँ पे ऑर्डर बुक तो 20 साल का है, एग्जीक्यूट कौन कर सकता है उस पे बेट करना चाहिए। ओके, चलिए त्रिदीप जी, बहुत बहुत शुक्रिया आज हमारे साथ जुड़ने के लिए, और आपको इस एनएफओ के लिए ऑल द बेस्ट। थैंक यू वेरी मच। ओके, एक छोटा सा ब्रेक लेंगे और उसके बाद जब लौटेंगे तो मार्केट टेक्निकल्स पर दोबारा बात करेंगे। जेएम फाइनेंशियल के डायरेक्टर राहुल शर्मा से होगी खास बातचीत।